तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, तो आज उसकी कुछ एक्सरसाइज आपकी करा दी गई थी और आज आपकी एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट होगी, आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। और यहीं से आपकी बातें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगी, समझ रहे हो? यहीं से आपकी बातें इंपॉर्टेंट होंगी और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे किस टाइप से हैंडल करना पड़ेगा। बस ओनली आपको 2 रूल्स का अप्लाई करना पड़ेगा और दोनों रूलों से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट, पिक करते हैं क्वेश्चंस को। पहले उससे पहले रूल देखना जरूरी है, अगर रूल नहीं सीखा तो भाई साहब कुछ नहीं सीख पाए। तो समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। कुछ रूल बताना है पड़ेंगे मुझे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो आपके पास में 2 कंडीशन होंगी, एफ डी कॉमा डी डैश और कोई आपका गिवन फंक्शन होगा फाई ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई। बात यहां तक कंप्लीट ले, बात यहां तक कंप्लीट है? यदि ऐसा है, समझ रहे हो, यदि ऐसा है और आपने क्या करा, वैल्यू रखी और एफ बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपने एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट आपने डी और डी डैश की जगह पर रखा। डी डैश का मीनिंग है कि वाई का कोफिशियंट रखा जाएगा और डी का मीनिंग है कि एक्स का कोफिशियंट रखा जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा रखने के बाद में आपकी ये कंडीशन इज नॉट इक्वल टू 0 बनती है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1/f(a,v) * अगर डबल इंटीग्रल हुए, ट्रिपल इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रेशन होना, फाई ऑफ टी इंटू डी टी। नहीं है ये बात समझ में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मेरी बात समझना फिर से। 1/fd,d' * φ(ax + b). यदि आपने a और b आपने यहाँ रख दिया d और d' की जगह पर, क्या हुआ, fa,b ≠ 0 हो गया। 0 जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब आपने क्या किया, a और b की वैल्यू आपने उसी टर्म में रख दी जो फंक्शन आपका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो इसमें d और d की जगह पर। रखने के बाद में ये मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रल 2 या 3 कैसे आएंगे, वो मैं आपको खुद समझाऊंगा। डबल इंटीग्रल भी आ सकता है, ट्रिपल भी, 4 भी आ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। फाइव टी के अनुसार जो आपको गिविन कंडीशन है फाइव की, उसको टी मानकर डी टी करके सॉल्यूशन करोगे। अब वेयर टी एक्स प्लस का बी वाई। बात यहां तक समझ में आई? ये हुआ आपका फर्स्ट रूल, जब आपको एफ ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात आती है 0 होगा तब क्या होगा, समझ रहे हो, 0 होगा तब क्या होगा। तो चलिए फिर, 0 है तो कब तब क्या हो सकता है, आ जाओ, अगर 0 है तब क्या होना चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा और देखना फिर क्वेश्चन आपको अपना आप ही खुद ही समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये बात तो भाई साहब ने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल भी समझना है, टेंशन फ्री होकर समझो एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड रूल के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, अगर आपको 1/ अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलाऊंगा, देखो बी डी माइनस का ए डी डैश, ये इसका मीनिंग क्या, बी और ए का मीनिंग है छात्र डी का कोफिशियंट बी है, डी डैश का कोफिशियंट ए है माइनस का ए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री, की पावर एन है और फाई ऑफ कितना ए एक्स प्लस का बी वाई है। बराबर बराबर क्या आएगा, x की पावर n अपॉन b की पावर n, जो d का कोफिशियंट होगा उसकी b की पावर n इनटू फैक्टोरियल n इनटू जो आपका गिवन फंक्शन है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा भाई साहब। समस्या खत्म, जी बिल्कुल कंप्लीटली सही बात लिखी हुई है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये कब होगा, ये कब होगा, ये छात्र होगा जब एफ ए कॉमा बी बराबर 0 होगा। बात समझ में आ गई, एफ ए कॉमा बी बराबर 0 होगा तब आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, ठीक है ना। चले फिर आगे की तरफ, अब आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चनों के दर्शन कराएंगे, और दर्शन कराने के बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ असल में क्या चीजें, कितनी आसान तरीके से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सिखा दूंगा, और 2 तरीके के बाद में सीखने के बाद आप अपना आप ही आगे क्वेश्चन खुद कर लेना। पहले मेथड ये कराऊंगा, दूसरा मेथड आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा, बस 2 मेथड से निकालना सिखा दूंगा, आप चाहे जोन सा भी लगाना चाहो वो लगा देना। अगर तुम्हारे दिमाग में ये मेथड ना रहा तो
तो वो लगा दोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, टेंशन ना लें, आ जाओ। नोट कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया करो। चलिए स्टूडेंट, आइए, थोड़ा बाहर ज्यादा शोर है आज, तो टेंशन ना लें, ठीक है, टेंशन ना लें, आइए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हमारी स्टार्ट होती है क्लास, डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी डी डैश प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर जेड बराबर कितना, सिक्स एक्स प्लस का टू वाई। एक मिनट का वेट करना, बस एक मिनट का, ठीक है, एक मिनट। डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी डी डैश प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इजकल टू सिक्स एक्स प्लस टू वाई। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या करना पड़ेगा, वही काम हमेशा जो काम आपने सीएफ निकालने में किया था वही काम आपको यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां भी यही काम आपको करना पड़ेगा। चलिए मेरी क्लास में होते हैं, आइए जो काम आप वहां करते हैं। एक्सिलरी क्वेश्चन सेम, हर क्वेश्चन में यही निकालना है, सेम ही निकालना है, सीएफ भी सेम निकालना है, बस क्या चेंज होना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलिए फिर, ठीक है ना, आ जाओ। तो एम स्क्वायर माइनस के सिक्स एम प्लस का नाइन बराबर जीरो, और इसके फैक्टर करें, फैक्टर करने बाद में एम माइनस तीन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। एम की वैल्यू कितनी आ गई, तीन कॉमा तीन, सेम आ गई, सेम आ गई। सी एफ बराबर फाइव वन ऑफ वाई प्लस का थ्री एक्स। देखो रूल क्या रखते हैं, फिर से बता रहा, जो नए बच्चे थे उनके लिए फिर से बता देना, फाइव वन ऑफ वाई प्लस एम वन एक्स, यदि हमारे डिस्टिंग होते हैं तो ये रखते हैं हम सी एफ, सी एफ बराबर ये रखते हैं, ठीक है, एम वन एंड एम टू आपके रूट्स हो गए। यदि आपके सेम आ जाते हैं तो, सेम आ जाते हैं तो बस कुछ नहीं करना होता, बस चश्मा लगा के एक्स को आगे लिख दो बस यहाँ, और ये हो जाता सेम। लो अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक्स टू फाइव वाई प्लस का थ्री एक्स, क्लियरली समझ में आ गया, टेंशन फ्री, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, आ जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहाँ है, सिक्स एक्स प्लस का टू वाई अपॉन, ये कितना है, डी माइनस का थ्री डी डैश का होल स्क्वायर। बात यहां तक कंप्लीटली समझ में आ रही है, टेंशन फ्री होकर आ रही है। आपने क्या करा, दो कॉमा ले दिया, भाई साहब कितना आया, थ्री एक्स प्लस का वाई अपॉन डी माइनस का थ्री डी डैश का होल स्क्वायर, यहाँ भी टेंशन फ्री। अब समझना, डी की जगह पर तीन रखना, वाई की जगह पर वन रखना, क्या आ रहा है, जीरो बनना है ना, तो जीरो बनना है तो कौन सा रूल लगाना है, पता है रूल, नहीं पता ना, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई साहब डरने की जरूरत क्या है, डरने की जरूरत क्या है, बी डी माइनस का ए डी डैश, माइनस हुए प्लस हो उससे टेंशन ना लो, इंटू फाइव ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर कितना, एक्स की पावर एन अपॉन बी की पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू फाइव ए एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है, यही होता है। आ जाओ यहाँ लगा दो, देखो रखना, जीरो बनना है, ठीक है, दो इंटू एक्स की पावर एन, एन मतलब टू, एक्स की पावर टू अपॉन बी कितना, बी वन है तो वन की पावर, भाई साहब वन की पावर तो वन टू ही रहेगा। अब एन कितना है आपके पास, फैक्टोरियल टू लीजिए, फैक्टोरियल टू आ गया, और कौन सा टर्म सेम आएगा, ये आएगा टर्म सेम, ठीक है, दो से काट दिए दो बार तो कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स प्लस का वाई, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ना ये टेंशन समझ में, समझ में आ भी गई होगी, कोई दिक्कत ना आई होगी, ठीक है ना। और एक बार और चेक कर लिया था, चेकआउट या ठीक है, एक्स की पावर एन नहीं होता है ना, यस बिल्कुल ठीक है, आ जाओ, या सॉल्यूशन निकालो, जेड बराबर सी एफ फाइव वन वाई प्लस का थ्री एक्स प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस थ्री एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स प्लस का वाई, और यही आपका आंसर्स होना चाहिए। चलो चेक करते हैं आंसर्स आपका सही है या गलत है।
आंसर में गलती है, फोर किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा करीब 20-25 बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, करा चुका हूँ बच्चों को भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, उसमें गलती है, ठीक है, टेंशन ना लें, गलती है आपके आंसर शीट में। चलिए स्टूडेंट फिर आगे चलते हैं, टेंशन फ्री होगा, हम वर्किंग करेंगे। आइए फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, कौन सा स्टार्ट करें भाई, आप ही बता दो बच्चों, इंटेलिजेंट तो बनाने का हमारा काम है, समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंट बना। अब कर आपको दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो, दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको इसको सेकंड मेथड से भी करा देता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सेकंड मेथड से कराता हूँ, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगी कि हाँ सर ने जो बात बोली वो सही बोली या गलत बोली। आ जाओ, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा ओनली, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगी हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मतलब ये वो है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने अपने क्वेश्चन के तरीके से, और उससे भी दोनों से सेम ही निकल कर आया। आ जाओ, तुम ट्रेलर देखना, मैं ट्रेलर, आ जाओ, डी स्क्वायर माइनस के 3d² का होल स्क्वायर, ठीक, यही तो था, मैंने क्या कहा था आपसे, ऑनेस्टली डी को बाहर लोगे तो डी स्क्वायर आएगा, 1 माइनस के 3d / d का होल स्क्वायर इंटू 6x + 2y, टेंशन फ्री, ये टर्म गया ऊपर, 1 अपॉन कितना डी स्क्वायर, 1 माइनस के 3d / d और कितना -2, और ये चल रहा था 6x + 2y, दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, आप सभी रूल जानते भी हो, जानते हो ना रूल, जानते हो ना कौन सा रूल जानते हो, ये वाला 1 - x^2 वाला, 1 + 2x + 3x² + 4x², ठीक है, समथिंग अबाउट ऐसे ही होगा। आइए तो 1 upon d² 1 + 6d - d, बस इतना ही सॉल्व कर लो, क्योंकि और आगे की जरूरत ही नहीं है, आगे की जरूरत छात्र किस वजह से नहीं है आप समझते हो, जब डी स्क्वायर हो जाए, डी स्क्वायर वाई का टर्म है नहीं आपका डी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 1 upon d² मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया 6x + 2y, इसका मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स ऑफ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू कितना वाई के, एक्स का कुछ होने वाला नहीं, नहीं कुछ होगा, तो यहाँ से मिल गया तुमको यहाँ 12, 6 × 12 d - 1 अपॉन डी है 1 upon d, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया, ये x निकल के आ गया, ठीक है, 1 upon d मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बात यहाँ तक भी कम्प्लीटली आ गई समझ में। अब 1 upon d² का मीनिंग समझना है, 1 upon d² का मीनिंग, पहले तो 6 और 12 को जोड़ लो, कितना होता है 6 और 12, 18 होता है शायद, इसके साथ हो रहा है 1 upon d², इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 टाइम होना है, चलो अंदर लगा दीजिए 2 टाइम, 1 टाइम किया स्क्वायर, 3 टाइम किया 3 अपॉन 2 × 3, ठीक है, प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बात कंप्लीटली आया समझ में, 2 से 2 कट गया, 3 6 × 6 = 18, तो ये कितना मिला 3x² + कितना भाई yx², चलो x² का कॉमन ले लो, ये क्यूब है छात्रो, x² कॉमन ले लो 3x + y, टेंशन फ्री आया, देखो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये भी है ये, और जो मैंने निकाला वो भी है ये, तो भाई साहब किताब गलत है, मेथड गलत नहीं है, तरीका सही है, समझ गए, टीचर गलत नहीं है, किताब गलत है। आइए अब चलते हैं फिर आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन सिखाएंगे, टेंशन फ्री होकर सीखते जाओ और बेहतर तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। आइए हाँ नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, जब क्लास चल रही होती है तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। हाँ हो गया, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, कैलकुलेशन है बस, अपने हाथ की कैलकुलेशन है, कहते ना
कारीगरी है अपने हाथ की, तब ऐसा कैलकुलेशन भी अपने हाथ की ही है। ठीक है, चले फिर आगे की तरफ आ जाओ, टेंशन ना लें, आगे के क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, आइए तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। ये फंक्शन आ रहा है ना, तो बच्चे कह रहे हैं सर इसी को करा दो, फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, चलो भाई साहब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कि सर ये फंक्शन आ रहा है कैसे करें, डी स्क्वायर माइनस के टू ए डी डी डैश और प्लस का ए स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर टू जेड बराबर एफ ऑफ कितना वाई प्लस का ए एक्स। ठीक है भाई साहब, कोई समस्या क्यों स्टूडेंट्स, नहीं है ना, चले फिर आगे की तरफ आ जाओ। नॉइस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्वेश्चन इज डी की जगह पर एम ही रखना है, एम स्क्वायर माइनस के टू ए एम प्लस का ए स्क्वायर बराबर जीरो, देखना थोड़ा सा लगा के क्या आ रहा है, एम माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉमा ए निकल कर आएगा और आपका जानते हो सी एफ कितना आएगा बताओ, फाइव वन ऑफ वाई प्लस का ए एक्स प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस का ए एक्स। क्लियरली आया समझ में, अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की, समझ रहे हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहाँ है, दिस एफ ऑफ वाई प्लस का ए एक्स अपॉन, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं तो अगर फैक्टर में तो डी माइनस का ए डी डैश का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखो डी माइनस ए डी डैश का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना ए डी की जगह पर रख दो, वाई का कोएफिशिएंट कितना है वन डी की जगह डी डैश की जगह पर रख दो, तो देखो ए माइनस ए कितना आ रहा है, ए माइनस ए कितना आ रहा है जीरो बनना है ना, तो जब जीरो बनना है फॉर्म कौन सी बननी है, ए कॉमा वन रखते ही आपकी फॉर्म बननी है जीरो की, तो जब जीरो की फॉर्म बननी है तो कौन सा रूल सिखाया मैंने, बोलो एक्स की पावर कितनी टू अपॉन बी कितना है, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट बी का कितना है वन, तो वन का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल टू इंटू जो फंक्शन आपको गिवन है वो ऐसा कैसे जो कहता हूँ ये ऐसे लिखा ऐसे ही लिख जाएगा, तो देखो कितना तो आसान क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहा होगा कितने थे आसान क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ये आया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको सॉल्यूशन लिखना था, चलिए सॉल्यूशन लिख दें, आ जाओ भाई साहब ये प्लस सी एफ बराबर ये जेड, तो स्टूडेंट यही आपका आंसर्स होगा, सही ना, नोट कर लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए, चुटकियों में उड़ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, समझ लो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो ना, काफी ज्यादा आसान। आइए स्टूडेंट, बहुत शोर रहता है, नोट कर लिया, फंक्शन वाली बात भी आपको समझ में आराम से आ भी गई होगी, ठीक है ना, अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ, कुछ क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से ठीक ठाक से लेंगे, इसमें एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कर पाओगे सभी क्वेश्चंस, ठीक है ना, कर पाओगे सभी क्वेश्चंस, चलिए फिर एक लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं कॉस वाला ले लीजिए सर, चलो ठीक है एक कॉस वाला लेंगे, एक ई की पावर एक्स वाला लेंगे, दोनों टाइप से कराएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है चलो आप आइए स्टूडेंट, ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, थोड़ी स्पीड अभी स्लो है, अभी थोड़ी देर में बढ़ जाएगी स्पीड, बस दो मिनट में, क्योंकि शोर ज्यादा है इस वजह से मैं स्पीड भी स्लो रख रहा हूँ। एक लेते हैं स्टूडेंट कॉस वाला, बच्चे कह रहे हैं कॉस वाला वो करा दो सर, चलो तो कॉस वाले हैं तो कॉस का पांचवा क्वेश्चन लेते हैं फिर, है ना, डी क्यूब माइनस के फोर डी स्क्वायर
डी डैश प्लस का 4 डी डी डैश का होल स्क्वायर, जेड बराबर साइन ऑफ वाई प्लस का 2x। क्लियर, टेंशन फ्री। चलो एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। तो एम क्यू ठीक है ना, एम क्यू माइनस के 4 एम स्क्वायर प्लस का 4m बराबर 0, और m लिया एम स्क्वायर माइनस के 4m और प्लस के 4 बराबर 0। तो एक तो m बराबर 0 आ गया, दूसरा देखो यहाँ से चश्मा लगा के एम माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो छात्रों क्या मिला, एम के लिए 2.2 मिल गई। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम सी एफ की। 51 ऑफ वाई प्लस 0x, 52 ऑफ y प्लस का 2x, x 53 ऑफ y प्लस का 2x, ये आपका आ गया सी एफ। ठीक है, टेंशन ना है, आ जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले हो, आइए पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन ऑफ y प्लस का 2x अपॉन कितना, एक काम करें थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये मैंने सॉल्व किया था, d को बाहर ले लूं, एक जब d को एक बाहर ले लूंगा तो देखो d ये बाहर आ गया इनटू, और ये वाला सॉल्व मतलब d माइनस का 2d डैश का होल स्क्वायर, टेंशन फ्री हो गया, फ्री चलिए फ्री हो गए। तो अब ट्रेलर दिखाते हैं। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ रखा, y का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ रखा था 0 बनना है, तो 0 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आ जाओ 1 अपॉन d को। तो एक काम करो, पहले छोटा सा वर्क क्या करना पड़ेगा, जिससे जीरो बनना है उसको बाद में सॉल्व करना, पहले एक काम कर लो 1/d को देख लो। 1/d का मीनिंग आप जानते हो, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रल होता है। तो इंटीग्रल कैसे करोगे उसको सिखाऊंगा। अरे कुछ गड़बड़ गलत लिख दी बात है मैंने, बात बनाते समय थोड़ा सिखाऊंगा ना आपको। डी प्लस का 0d डैश, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, टेंशन वाले बच्चे दूर रहे मैथ से। एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, आपने यहाँ रखा, 0 बना, नहीं बनाना तो कौन सा रूल लगाएंगे, आ जाओ जिसको 0 बनना है उसको तभी रहने दो, ठीक है ना, बाहर रहने दो। एक्स की कोएफिशिएंट कितना 2, रख दो 2, तो 1/2 आ गया, और 1/d तो ये एक ही रोटा मारी है तो उसका इंटीग्रल लग जाएगा। इंटीग्रल कितना आ जाएगा बोलो, साइन ऑफ टी और डी टी, आगे होशियारी समझ में। एफ ए कोमा बी नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 में छात्र ये रखोगे आपका 1/2 आएगा, एंड इंटीग्रेशन क्योंकि डी है सिंगल डी, डी क्यूब या डी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक ही इंटीग्रेशन आया। तो साइन का इंटीग्रल आप सभी होशियार बच्चे जानते ही हो, आई थिंक सभी जानते होंगे, चलो हम भी जानते हैं। माइनस के कॉस टी आएगा, तो एक काम करो टी की वैल्यू को रख ही लो, बस टी की वैल्यू को 2x प्लस का वाई, बस इसको छोड़ो, आ जाएं, चलो इधर ही आ जाओ। 1/2 माइनस भी बाहर आ रहा, चलो 1/d माइनस का 2d डैश का होल स्क्वायर इंटू कॉस 2x प्लस का वाई, रखना अब इसको छात्र, जीरो बनना है ना, तो जब जीरो बनना है तो आप सभी होशियार बच्चे हो, जब जीरो बनना है तो कौन सा रूल लगाएंगे, x की पावर 2 है अपॉन b को इतना 1, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू कितना कॉस ऑफ 2x प्लस का वाई, बात वही निकल गई। तो स्टूडेंट यहां से निकल गया माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 × 4, और यह आया कॉस 2x प्लस का वाई, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल कर आया है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के जब आया तो आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन निकला है, सॉल्यूशन क्या आएगा, जेड बराबर सी एफ वाई ही रहेगा, वाई प्लस का 2x, एक्स 53, वाई प्लस का 2x, और आंसर चेक कर लो आप सही है या गलत है, ठीक है, आंसर चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
बिल्कुल सही आ रहा, कतई। आ जाओ भाई साहब, नोट कर लो जल्दी से। बच्चे नोट नहीं कर पाते, कहते हैं नोट नहीं होता सर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मत करना सर, कभी तुम यहाँ लिख देते हो, कभी यहाँ लिखते हो, कभी यहाँ लिखते हो, ठीक है ना, वर्किंग करते हो। चल रहा, आ जाओ। चलिए अब करता हूँ मैं रफ। असली खेल स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही है, ठीक है ना। असली खेल जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल का ही होता है, ठीक है। चलो अब स्पीड आएगी, स्पीड में चलेंगे हम स्टूडेंट। आज ये चैप्टर खत्म करना है तो करना ही है। अब एक लेते हैं ई की पावर वाला, ठीक है, एक लेते हैं ई की पावर वाला। स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप 12 क्वेश्चन और करा देना। 12 क्वेश्चन जो है काफी पर्टिकुलर इंटीग्रल काफी लॉन्ग पड़ रहा है ना, 12 और 15 करा देना, 2 क्वेश्चन और कराना, उसके बाद छुट्टी। चलिए तो फिर ये कराएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। आपको लगा, मुझे अपने आप में पता है कि छात्र कौन से क्वेश्चन को पूछेंगे। ये बच्चे पूछते हैं आंसर देख के, ठीक है ना, आंसर देखते हैं कौन सा बड़ा है। और मास्टर को करते हैं चेक कि आज इसको मास्टर को अटका देंगे, है ना। एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो एम उस क्या, प्लस के 2m, प्लस का 1 बराबर 0, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, एम बराबर कितना आ गया -1, -k1। सी एफ कितना आ गया, 5n ऑफ वाई मास का एक्स, एक्स 5 2 ऑफ वाई मास का एक्स, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x प्लस का 3y। इसी से टेंशन ना लें, अगर ये होल स्क्वायर भी नहीं बनता है तब भी सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है, टेंशन ना लें। 2 और 3 रखना है यहाँ पर, यहाँ 2 रखा आपने, यहाँ पर कितना रखा, 3 रख दिया। कितना मिला आपको स्टूडेंट बोलो भाई, 0 नहीं बनना ना, जब 0 नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, पता नहीं है क्या। वैल्यू रखो पहले, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर आ रहा है, डी स्क्वायर है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी इंटू डी टी, टेंशन फ्री, ठीक है। 3 और 2 5, 5 का होल स्क्वायर कितना हुआ है, 25। और डबल इंटीग्रेशन का ई की पावर टी का, तो डबल इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ भी फर्क ना पड़ने वाला भाई, ये तो बेहा है। तो यही निकल के आया, ई की पावर टी कितना था आपका, जो मान रखा है बस उसको तुरंत ही चेंज कर दोगे आप, अपॉन 25। यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया और आपका सॉल्यूशन आएगा जेड बराबर 9। ठीक है, सही आंसर है, कोई समस्या नहीं है, नोट कर लो जल्दी। चलते हैं फिर आगे की तरफ। अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट 12, क्वेश्चन नंबर लेंगे 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के दर्शन कराएंगे, आ जाओ। इसे ही उड़ाते हैं आज। आंसर कितना इसका, अरे वाह भाई वाह भाई साहब, ठीक ठाक ही है।
30। एक काम करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 अभी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले उससे पहले एक स्मॉल सा ले लें क्योंकि 10 मिनट्स रहेंगे, ज्यादा नहीं क्लास को, ठीक है ना। तो इतने मिनट में नहीं हो पाने का भाई, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर चेक कर लेना, आंसर भी आपको पता होगा कितना बड़ा है, ठीक है। चलो आप 10 मिनट का क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, जैसे दो दो तीन तीन मिनट में उड़ रहे ना, ऐसे ना उड़ने का। ठीक है फिर क्लास आपकी, चलो देखते हैं, जाओ टेंशन ना ले। चलो आओ, तो क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, log of s बराबर x प्लस का वाई। स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन कैसा आया, अजीब सा, अजीब गरीब, log of x बराबर x प्लस वाई, ये तो हमारी समझ से बाहर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ से बाहर हो रहा है ना, हमारे समझ से बाहर नहीं है, ठीक। ये कितना, ये कितना है बोलो, पता है किसी ना, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको सब जानते होंगे। एक्सिलरी इक्वेशन निकाल दिया, तो एम बराबर कितना है आपका जीरो, सी एफ निकाल दिया, फाइव वन ऑफ वाई प्लस जीरो एक्स बराबर फाइव वन ऑफ वाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम, e की पावर x प्लस का y d इंटू डी डैश। चलो x की कोएफिशिएंट रख दो चाहे y का रख दो, बात एक ही आएगी निकल के, और मैं आपको एक खेल और सिखाता, चलो कोई बात नहीं, वन ही निकल कर आएगा भाई, d डैश वन अपन d। चलो एक काम करते हैं, आपको ऐसे ही सिखा देते हैं, वन अपन डी है, इंटीग्रल करा e की पावर x प्लस y का, तो y के सापेक्ष ही तो होना है, पार्शियल डिफरेंशियल जो होगा y के विद रेस्पेक्ट टू होना है, तो y के रेस्पेक्ट टू तो भी यही रहा, अब वन अपॉन डी आया तो भी यही रहा, तो सीधा सीधा यही बात आ गई, और आपका आगे निकल के क्या आएगा सॉल्यूशन, z बराबर फाइव वन ऑफ y e की पावर x प्लस y, और यही आपका आंसर्स हो। चलिए देखते हैं, हम आंसर चेक कर लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 को इन्होंने कुछ अजीब गरीब सा नाम दिया है, टेंशन ना ले, आपका ये आंसर बिल्कुल 100% ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जो आंसर को आपको मैच कराना है, आ जाओ टेंशन ना ले, सब लोग उससे आ रहे हैं, सब लोग उससे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, डेल टू जेड ओवर डेल एच डेल वाई, हमारे पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ई की पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ कितना है, ये जो दरअसल क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग क्या करा इन्होंने, प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये क्वेश्चंस का सिक्वेंस में नहीं रखते, ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में से है या अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में से है, ये वहां ये दिखेगा तुम्हें, नजर आएगा तो देखेंगे हम वहां पर भी, आ जाओ। जैसे आपने इसका इंटीग्रल किया विद रेस्पेक्ट टू कितना एक्स में, तो समझना डेल जेड ओवर डेल वाई कितना आएगा, समझते जाओ, ई की पावर एक्स प्लस वाई ही रहेगा, अब कोई अदर कॉन्स्टेंट आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉन्स्टेंट आएगा वाई का, समझ में आई बात नहीं आई, एक्स के रेस्पेक्ट करो तो कॉन्स्टेंट वाई का मिलेगा, अब फिर अगेन कर दिया आपने, तब z बराबर y की रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो e की पावर x प्लस y प्लस, ये तुरंत ही चेंज होगा क्योंकि इंटीग्रल हो रहा है fy का, क्योंकि y की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो तुरंत ही चेंज होगा phi of y और phi of, मैंने क्या कहा x की रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या, नहीं y की रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, फंक्शंस कांस्टेंट जो आएगा x में आएगा, तो देखो ये मैच कर रहा होगा आंसर, ये आपका अगली चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से उठा दिया इन्होंने ये आंसर को, वहां चेप दिया, लो जी लो यहाँ धर दें, लेकिन ये सही है,
चलिए स्टूडेंट्स, टेंशन फ्री, क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं समझ में, चलिए आइए। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिया जाएगा आपका, कौन सा लें, क्वेश्चन नंबर जो 12 हमने आपको बताया है उसी को स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। अच्छा तो स्टूडेंट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। टेंशन ना लें, बराबर 0। तो किस वैल्यू पर सिलेक्ट हो रहा है, m बराबर -1 पे। तीन बार लिख लो। तो m इसके आगे मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ, और माइनस के m की मल्टीप्लाई की, और ये हो गया माइनस का 6m। जब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये आप तो सब कुछ रिमेम्बर हो चुका है। तो m प्लस 1 कितना, m इसके माइनस के 3m प्लस के 2m माइनस के 6 बराबर 0। तो m प्लस 1 कितना आया, m m माइनस का 3 प्लस का 2 m माइनस का 3 बराबर 0। तो m प्लस 1 और m प्लस 3 और m माइनस 2 बराबर 0 माइनस। तो m के आपके रूट आगे माइनस के 1 3 और माइनस के 2। चलो सी एफ निकालो, क्या आएगा सी एफ, 5 1 ऑफ वाई माइनस 1 मतलब x प्लस 5 2 वाई प्लस 3 x प्लस 5 3 वाई माइनस के 2 x। ये तो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकल कर आ गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपका क्लियरली आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट हमारे थोड़े से अगले वर्किंग पर। अब आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाला है और समझना बहुत ही ज्यादा आसान भी, ठीक है ना, आसान भी है ये। चलो आइए स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, अब देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा कंप्लीटली। फैक्टर आपको मालूम ही है, फैक्टर की वैसे जरूरत ना पड़ेगी, टेंशन ना लो। देखो मैं अब जादू सिखाऊंगा तुम्हें कुछ, ठीक है ना, जादू सिखाएंगे ये, तो आप याद रख लेना। मैं सीधा सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकाल कर दिखाऊंगा आपको, और हो सका तो अगर याद रहा तो मैं करा दूंगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन दिस, एक काम करो एलजेब्रिक को इसके साथ ले लो और ट्रिग्नोमेट्रिकल को अलग डिवाइड में, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस के 7 डी डी डैश स्क्वायर और माइनस का 6 डी डैश का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं क्यूब, कॉस ऑफ एक्स माइनस का वाई। यहां तक तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा ना। आइए स्टूडेंट, मैंने आपको कैसे कहा एलजेब्रिक फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, कि डी को ले लो बाहर कॉमन, तो डी क्यूब है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा, मतलब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डी ले लिया क्यूब बाहर, जैसे क्यूब बाहर आया तो यहां मिला 1 माइनस 7 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी से डी कट गया, माइनस के 6 डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। क्लियरली आई समझ में बात, और यहां में हमारे इंटू में चल रहा है दिस ये, ठीक है, प्लस। अब असली खेल यहां होगा स्टार्ट, एक्स की वैल्यू आप 1 रख दो और वाई की वैल्यू रख दो, चाहे तो आप इससे कर लीजिए, लेकिन मेरे पास एक और आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, x और y है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और y का, जैसे हमने 12 चैप्टर नंबर 4 के अंदर किया था, cos का cos में x के कोएफिशिएंट को देखते थे
और उसको हम क्या करते थे, डिश क्रा की जगह पर रखते रखते थे ना, डिश क्रा जगह, मतलब ऐसा कर लीजिए, आ जाओ सिखाता हूँ। यहाँ भी वन है, यहाँ पर आपका माइनस का वन है, तो डी की जगह पर तो आपको रखना है डिश क्रा की जगह पर, रखो यहाँ, आ जाओ वन अपॉन, देखो यहाँ डी क्यूब का मतलब है डी इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर पर जब कॉस के अकॉर्डिंग वहां क्या रखते थे बताओ, डी की जगह पर डी स्क्वायर जब क्या रखते थे, माइनस वन आएगा ना भाई, डी का एक्स का कोएफिशिएंट कितना वन, डी की जगह पर रखा आपने तो वन का होल स्क्वायर हो गया, तो वन का होल स्क्वायर होने के बाद डी की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस कर दिया, नहीं बात समझ में आ गई ना, टेंशन ना, चलो माइनस की सेवन डी इंटू डी डैश का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट कितना माइनस के वन, तो डी की डी डैश की जगह रहेगा माइनस का वन का होल स्क्वायर होगा प्लस का वन, स्क्वायर है कॉस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ गया माइनस का वन, ठीक, माइनस सिक्स इंटू डी डैश इंटू यहां भी स्टूडेंट माइनस का वन आएगा, तो लो सॉल्व कर लीजिए अब इसे, ये और आसान बना दिया मैंने, बताना मत किसी को भी, ठीक है ना, आ जाओ वन अपॉन डी क्यूब वन माइनस के सेवन डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर सिक्स डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई की पावर क्यूब, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, माइनस का डी प्लस का सेवन डी और प्लस का सिक्स डी डैश कॉस ऑफ एक्स माइनस का वाई, चलो सॉल्व करते हैं, वन अपॉन डी क्यू इसकी मल्टीप्लाई करें, अब मेरी बात समझो ना, एक मिनट, ये माइनस का वन है ठीक है, ऊपर गया ना तब माइनस का वन है, मेरी बात समझना, एक बार ओपन करने पर ठीक है, ये दिस ये है, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ आपको ऐसा समझ में आएगी भाषा, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई क्यूब आ रहा है पार्ट से डिफरेंशियल में डी क्यूब दे रखा है, जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आप बताओ ये चार हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स और मल्टीप्लाई करने के बाद में हो जाएंगे पांच, तो जब आपके पास टर्म ही नहीं है, इतनी हाईएस्ट एलजेब्रिक टर्म ही नहीं है, तो वहां तक ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो आगे हमारे पास में यहाँ पर मैं चाहता था स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरी कंप्लीटली बातें इसलिए बता दी आप सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, देखो यहाँ समझो ये वैल्यू रखना d प्लस सेवन डी कितना हुआ 60d, तो मैं 6 को कॉमन ले लूं बाहर और ये बन गया मेरे पास d प्लस डी डैश इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस के वाई, अब वैल्यू रख के देखना चेक करके क्या बनना है, वन वन जीरो बनना है ना, तो जीरो बनना तो कौन सी टर्म लगाओगे बोलो, अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आ जाओ मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं अंदर, जब मल्टीप्लाई करो तो यहां आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस सेवन डी डैश स्क्वायर, डी डैश का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई वाली टर्म में ही होना है बस, और डबल होना है, चलो आ जाओ सेवन अपॉन डी स्क्वायर, देखते जाओ शॉर्टकट, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ यहाँ पर आ जाओ तुम सीधे सीधे, डी डैश स्क्वायर मतलब टू एक्स मिला भाई, टू वाई फिर अगेन कर दिया डिफरेंशियल तो y का वन हो गया, यहाँ आगे यहाँ पर आते सिक्स और y होगा, देखना थ्री वाई स्क्वायर अगेन किया तो कितना मिला सिक्स वाई मिल गया ना, अपॉन डी क्यूब चल ही रहा, चलो कोई बात नहीं टेंशन ना लो, प्लस सिक्स अपॉन डी क्यूब ना तो इससे मतलब है इसको ना इससे मतलब, क्योंकि ये जीरो बना देगा इसको, अब आ गया आप सीधे यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ से मिल गया आपको सिक्स, कैसे मिला सिक्स वाई तो डी स्क्वायर पे था,
अगर एक बार और कर दिया डिफरेंशियल तो कितना मिलेगा, 6 मिल गया, टेंशन यहाँ भी हमारी फ्री। अब आता है 1/6, देखो ये क्या बनना, जीरो बनना है, तो जीरो बनना है तो कौन सा रूट लगाते थे बोलो, इंटू एक्स की पावर एन, एन नहीं है वन है, वन अपॉन, और एक्स बी का कोफिशिएंट कितना वन है, वन इंटू फैक्टोरियल वन इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्लस चल ही रहा है। ओके चलो आओ, हो गया क्वेश्चन, अब तुम देखते जाओ। हाँ जी, 1/d³, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है, 7 1/d अंदर लेके गई, इंटीग्रेशन होता है 2 × x/, अभी समझना मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। डी स्क्वायर का मतलब देखो, एक बार इंटीग्रेट किया था x²/2, अगेन किया था x³³, तो ये पावर आ गई 3, ठीक, प्लस 6y × 2 टाइम इंटीग्रल हो रहा है तो कितना आएगा, x²/2, ठीक है ना, 1/d, अरे 1/d क्या होता है, ये होता है प्लस 6, मतलब 6 × 36 हो गया। 1/d³ का मीनिंग क्या हुआ, 3 टाइम इंटीग्रल हो रहा है, 2 टाइम तो ये कर दिया था, 3 टाइम करना था, लो 3 × 2 = 6 हो जाता। ओके समस्या हुई खत्म, अभी तो ट्रेलर है, क्वेश्चन अभी कहाँ हुआ है, और प्लस का कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स है अपॉन में इधर है 6, ठीक है। अब देखो पहले इसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तब मैं क्यूब करूंगा, क्यूब आ जाओ, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 7/3 एक्स का क्यूब प्लस, अब 7 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 × 21 x² और y, भाई साहब क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन तुम्हारी किताब में बिल्कुल भी ना है। 1/d³ का मीनिंग भाई, 1/d इंटीग्रेशन हो रहा है, 3 टाइम इंटीग्रेट करना, अब बस आ जाओ, बस 3 टाइम करना, देखो यहाँ समझो स्क्वायर है, 3 टाइम करना, 3 बार करना है, 3, 4 और 5, पावर कितनी आ गई 5, ऐसे करते हैं इंटीग्रल x/, 3 टाइम करना, देखो इस एक्स ही तो है, स्क्वायर आएगा 2, 3, 4, पावर आ गई 4, ठीक है, y² प्लस, यहाँ तो है नहीं x का टर्म, तो 3 टाइम करना ना, x, 1, 2, 3, भाई क्या कर दिया रोहित, तो स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, x नहीं, x का टर्म नहीं है ना, तो x² / 2 आएगा, x, एक मिनट रुकना, मेरे थोड़ा कभी कभी मेरा भी हार्डवेयर में दिक्कत आ जाती है, x² / 2, अरे ठीक तो लिखा था, सही करता है काम तो माइंड, कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से दिक्कत आती है, समझो मेरी बात, पहले इसका कर लो, 21 × x² है ऊपर, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो पावर होगी 5y प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लो, 7/3 और 6 को, 18 और 7 तुम्हारे होते हैं 25, 25/3 तो पहले लिख लो, पहले सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है, अब करना क्यूब, पहले 3 तो ऊपर है ऑलरेडी, 4, 5 और 6, पावर आ गई 6, ठीक है, हाँ, प्लस के एक्स कॉस, मैथ सीखना है तो ऐसे ही सीखा जाएगा, ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लें, वो
चलिए x की पावर 5 अपॉन 20 या 60। चार या 12 दुनी 24 एक्स के क्यूब। हाँ क्यूब, एक मिनट ये क्यूब कहाँ सा रहा है, या y क्यूब भी तो है, इसको तो हम भूल ही गए थे। हाँ जी ठीक है बिल्कुल, अब ठीक है सातवां कट गया, 5 × 20 पांचवा कटा, 5x/6 अपॉन 24 दूनी 48 72 ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का आया, चेक कर लेते हैं हम इसको। पांच बटे 72 एक्स की क्यूब प्लस एक्स पावर 5/16 ठीक है, 7/24 ठीक है, 24 भी ठीक है, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह रोहित, यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, 1/4 एक्स कॉस एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कैसे आ रही है, इसमें गड़बड़ कहाँ से आ गई, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा वाटर लेने, ये बताते हैं तुम्हें गड़बड़ तो नहीं आनी चाहिए। वेट करो, ये आपका आंसर्स, तो सी एफ पी आई तो आपका निकल गया, बिल्कुल सी का आंसर है ठीक है, पी आई तो निकल गया और सी एफ आपका जो आपका निकल रहा था तो ये कंप्लीटली हो गया। एक मिनट और चेक कर लेता हूं, ये आंसर बिल्कुल 100% श्योर हूं सही है ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूं, नहीं तो गलती तो वैसे किसी हालत में होती ही नहीं है मेरी। इतने आप नोट कर लो, मैं किताब, गलती तो किसी हालत में नहीं होती, जब बाकी चीजें सही आ रही हैं तो ये चीज कैसे गलत आ जाएगी, अरे ऐसे थोड़ी ना होगा। जाओ भाई साहब अलग ही, नहीं स्टूडेंट वो आएगा ही नहीं, किसी भारत में नहीं आएगा, वो गलत है, आपके आंसर गलत है, आंसर में ही गलती है। स्टूडेंट आंसर में गलती है आपके ठीक है, आंसर जो दिया है ना आपका किताब में जो आंसर है वहां माइनस के 1/4 दिया वो गलत है, ये ठीक है, मेरे पास अपना तरीका भी और भी है, बहुत सारे तरीके रहते, काफी सारे मेथड्स रहते हैं मेरे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को। और अगर मैं एक मिनट रुक जाओ, वेट करना एक मिनट, एक मार्च के 7/6 बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ, मेरे पास अपने अपने और मेथडों को इस्तेमाल करने के बाद में भी वही आंसर निकल कर आएगा। चलिए नोट कर लो जल्दी से, टेंशन ना लो, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है मेरी, चलूंगा फिर मैं आगे की तरफ ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से ठीक है ना, इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए आप सभी। अब दिखाऊंगा मैं आपको तरीके, जिन तरीके को आप सॉल्व करोगे अच्छी तरीके से ठीक है ना,
अब आएंगे आपके क्वेश्चन, कुछ नॉन होमोजीनियस के अकॉर्डिंग मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा तब उनको कैसे हैंडल करते हैं हम क्वेश्चनों को, उनको देखेंगे हम। जल्दी नोट कर लो। कितना टाइम हो गया, कोई ना देख लेंगे। आइए सुन, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अब। ये दिक्कत ये है इनकी किताबों की, इन्होंने जो ना अभी तक जो गलती शुरू से दोहराते आ रहे हैं नहीं हमेशा से, उसको अभी तक भी इन्होंने ठीक नहीं किया। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ठीक है ना। जो गलती ये हमेशा से दोहराते आ रहे हैं, गलती तो टीचरों के और टीचरों के पास जब ही तो मिलेगी जब वो एक्सरसाइज कराएंगे, है आधे से ज्यादा एक्सरसाइज करा मैं ना, एग्जाम्पल इनमें से टीप टाप के कर दिया। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज नंबर आ गया आपकी फोर्थ। इसे मैं समस्या मत लेना बिल्कुल भी, टेंशन फ्री रहना। और ये नहीं है कुछ भी, दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हैं और दोनों के दोनों एकदम आसान, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया है, नया तरीका निकाल दिया एक और, भाई साहब आपको इस मेथड से करना है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन के दर्शन कराऊंगा और एक्सरसाइज आती है फोर्थ। पहला क्वेश्चन, कोई रूल नहीं बता रहा मैं अभी आपको, और नहीं मैं भी रूल बताने का। डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर कितना है आपका, ये साइन एक्स, कितना है साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सिलरी इक्वेशन ही निकालनी है, डी प्लस डी डैश जेड बराबर जीरो। अरे क्या करता हूँ मैं, रुक जाओ, साइन एक्स एक्सिलरी इक्वेशन इज एम प्लस वन बराबर जीरो, एम की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की वन, तो सी एफ कितना आ गया आपका फाइव वन ऑफ वाई माइनस के एक्स। बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, साइन एक्स अपॉन डी प्लस डी डैश। अब आप सभी होशियार और समझदार हो कि जब हमने वहां पे भी क्वेश्चंस किए थे, क्या मैं इसको ऐसे ले लूं, ठीक है। अब एक्स और वाई की कोफिशिएंट नहीं मिल पा रहे, मैच नहीं कर रहे, तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो अब ये डी प्लस डी डैश है, ये साइन एक्स प्लस जीरो वाई है, तो कैसे सॉल्व हो ये क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, जो आप वहां करते थे डी था तो डी का बनाते थे ना, बनाते थे तो क्या करते थे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। जब आपने कंजुगेट की मल्टीप्लाई आपको यहां भी करनी थी, ठीक। d माइनस डी डैश अपॉन ये कितना हुआ, डी स्क्वायर माइनस के डी डैश स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस का जीरो वाई। मैंने आपको सिखाया था पहले नीचे वाले टर्म को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो x का कोएफिशिएंट कितना है वन, तो d की जगह पर रख दिया। y का कोएफिशिएंट कितना है जीरो, तो d की जगह पर रख दिया। तो ये मिलेगा d माइनस डी डैश इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन वन ही निकल कर आया, ठीक। अब कर दिया आपने मल्टीप्लाई, चलो डी साइन एक्स माइनस के डी डैश साइन एक्स। आप जानते हो यहाँ वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, वाई की वैल्यू नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोस एक्स। सॉल्यूशन क्या आएगा, जेड बराबर फाइव वन ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस का कोस एक्स। आई थिंक यही आपका आंसर्स होना चाहिए। माइनस कैसे हो गया, अरे माइनस रखना इसकी वैल्यू को यहाँ डी की जगह पर, तो छात्र माइनस में नहीं तो आएगा, ठीक है माइनस आएगा, टेंशन ना ले, माइनस आएगा माइनस। इस की जगह में कुछ कुछ टॉपिक्स को कुछ ना कुछ चीजों को बोलने की आदत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है या मैं कराऊं,
क्यों स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपको करना है, मैं कराऊं, मैं भी करा दूंगा। चलो मैं कराता हूँ।